बोर का मतलब होता है फ्रेंड्स सुअर, BOAR। और फ्रेंड्स ये तो मेल है आप लोग का, फीमेल में देखेंगे तो SOW, इसको साउ पढ़ते हैं। साउ का मतलब होता है फ्रेंड्स सुअरिया। ओके, बोर का मतलब सुअर और साउ का मतलब होता है सुअरिया। ओके, दूसरा वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स तख्ता, जैसे कि लकड़ी का पतला तख्ता हो फ्रेंड्स, उसी को कह रहे हैं यहाँ पर तख्ता। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब होता है फ्रेंड्स धर्मशाला में रहने वाला, ओके, या छात्रावास में रहने वाला विद्यार्थी। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स अहंकार या गर्व, या फ्रेंड्स अपनी बड़ाई करना। ओके, या शेखी होता है BOAST। बोस्टफुल का मतलब होता है फ्रेंड्स घमंडी। ओके, BOASTFUL। बोस्टफुलनेस, यहाँ पर NES कर लीजिएगा फ्रेंड्स आप लोग। बोस्टफुलनेस का मतलब होता है फ्रेंड्स शेखी। और बोट का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, बोट का मतलब होता है नाव या नौका या किश्ती। ओके, BOAT। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बोट हाउस। बोट हाउस का मतलब होता है फ्रेंड्स नौका गृह। ओके, और बोट मैन का मतलब होता है फ्रेंड्स नाव वाला, या फ्रेंड्स नाविक होता है। आप लोग यहाँ पर कामा लगा करके लिख लीजिएगा, बोट मैन नाविक या नाव वाला या मल्ला। ओके, बोट रेस का मतलब होता है फ्रेंड्स नौका दौड़। ओके, रेस का मतलब दौड़ होता ही है, तो यहाँ पर बोट रेस है, तो बोट रेस का मतलब होगा नौका दौड़। अगला वर्ड फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बोट रेस के बाद है आप लोग का बोटसैन। बोटसैन का मतलब होता है फ्रेंड्स जहाज का बड़ा अधिकारी। ओके, बोटसैन। और बॉडीज का मतलब होता है फ्रेंड्स चोली। ओके, या फ्रेंड्स अंगिया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझने के लिए, अंगिया। ओके, चोली या तो अंगिया होता है बॉडी का मतलब। और बॉडी गार्ड का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, बॉडी गार्ड का मतलब होता है अंग रक्षक। ओके, अंग रक्षक, आप लोग का एक फिल्म भी है, आप लोग देखे होंगे, लेकिन फिल्म से मतलब नहीं है, यहाँ पर बॉडी गार्ड है, बॉडी गार्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स अंग रक्षक। ओके, आगे मिलते हैं आप लोगों से, ये क्लास आप लोग का 83 था, आगे मिलते हैं, नमस्कार।